ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਕੈਸੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ, ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਭੀ ਹਮ ਆਏ ਹੈ ਫੋਰਟ ਮੋਂਟੋ ਐਨਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਯੇ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਯਹਾਂ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਮ ਯਹਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਂ। ਸਭ ਕੈਰੀ ਸੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। तो जी हमारा टूर 2024 जो कि फोर्ट मंडरू ये शाह साहब खड़े हुए अनारी के ऊपर, माहौल हमेशा ठंडा ही ठंडा होता है जी, मज़ा ही मज़ा है। बाकी एक काम यहाँ ख़राब है, यहाँ जुएबाज होते हैं, वो धोखेबाजी से लोगों को लूटते हैं, अच्छा नहीं है। ये जी व्लॉगिंग देखिए, पीछे हरियाली और पहाड़, ये सब दोस्त मेरे यहाँ जमा हैं जो कि इंजॉयमेंट कर रहे हैं। यहाँ पत्थर के ऊपर बैठ के, यहाँ इतनी दूर आके ना, ये सिर्फ लड्डो ही खेलते हैं और कुछ भी नहीं। और मैं गाने पे नाच रहा हूँ, देखें मज़े ही मज़े जी। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, पीछे शाजी हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहो, मुस्कराते रहो। आप देख रहे हैं देसी फन एसपी गुलाम सरवर यूट्यूब चैनल, जो कि आप की खिदमत में काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है। कोई बात नहीं, मेहनत करते करते एक दिन मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे, जो अल्लाह ताला हर इंसान को कामयाबी दे। अपनी यादें बरते हैं जी, हमें कोई ऐसा बड़ा वो ना ही कोई कमाने का इतना बड़ा वो है, बस अपनी यादें और अपने टूर बरते हैं, आप सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद जो आपके कमेंट आते हैं ना, बहुत दिल खुश होता है जी। तो पत्थरों के ऊपर तो मैं डरता ही हूँ जी, डर लगता है। आस्ते आस्ते नीचे उतर रहा हूँ, नीचे उतरने के बाद फिर देखेंगे कि ऊपर कैसे चढ़ा जाएगा, पर कोशिश करेंगे। कोशिश करने से कोई हर्ज नहीं है। ये नीचे डर डर के मैं उतर रहा हूँ, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, जो कि आस्ते आस्ते नीचे आ रहा हूँ मैं, और डांस भी साथ में, म्यूज़िक लगा हुआ है, एंजॉयमेंट, मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, बदो बदी, मज़े ही मज़े। ये मेरे दोस्त नीचे होते जा रहे हैं जी, मैं भी इनके पीछे नीचे आ रहा हूँ। तो नीचे जाके देखते हैं ऊपर का माहौल कैसा लगता है। अनारी में यही है कि आप पूरे फोर्ट मंडरू में आपको गर्मी महसूस हो तो अनारी पे कुछ ठंडक महसूस होती है। शाजी मिल गए, शाजी ने स्टिक से अपनी सेल्फियाँ खींच रहे थे, तो मैं भी अपनी वीडियो, ये देखो सब मेरे दोस्त यहाँ आके पत्थर अटका हुआ उसके ऊपर आके बैठ गए। तो मैं तो वहाँ नहीं जाता जी, मुझे डर लगता है, तो मैं पीछे इधर ही बैठ गया। ये देखो ये कैसा माहौल और कैसा व्यू है, माशाल्लाह खूबसूरत, अल्लाह ताला का निज़ाम और खूबसूरत समा। ये देखो यहाँ बैठे हुए हैं शकील भाई और साहब, साथ में हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं जी। मौसम के ये आवाम खड़ी है यहाँ पर सब, और देखो यहाँ कैसा समा है सार, ये धुआं धुआं आपको नज़र आ रहा होगा, ये है बादल जो बादलों से ढका हुआ है पहाड़। ये जी ओ मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े, शादी सेल्फियाँ मना रहे हैं, मज़े ही मज़े ले रहे हैं, माहौल अच्छा खूबसूरत माहौल। ये देखो जी शाजी और साहब सवेरे सामने प्यारे सी पहाड़ी बकरी, और बकरी पहाड़ी बकरों का ये होता है इनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं। मामा चाय बना रहे हो? ये देखो चाचा जी ने केतली में चाय चढ़ा रखी और चाय बेच रहे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत सा माहौल, पक्की बात है। बाबा बलोच चाय बेच रहे हैं, साथ में पानी रखा हुआ है यहाँ पर, पानी जो के बोतलों में मिलता है, बाबा बलोच बेहतरीन टीन में पानी नहीं मिलता है, केतली के अंदर देसी तरीके से बना है। बाबा बलोच से पूछा भी कितने का चाय का प्याला दे रहे, तो उन्होंने बताया सस्ते नहीं बताया, कुछ साथ जबरदस्त मजा आ रहा है जी अनारी के ऊपर। बाबा बलोच लोग हैं बड़ी इज्जत करने वाले, बस यहाँ एक खामी है जो वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये वसीम ऊपर चढ़ के आ रहा है। ओके
पता लगा इनको भी ऊपर चढ़ने में कितना जोर लगता है। मुझे बोलते थे आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, थक जाते हो, ये है वो है, पर जी देखे मैं ऊपर चढ़ाया। यहाँ सामने ये दोस्त मेरे कड़े में अहमद भाई और वसीम मेरे पीछे। वसीम ये सूरज की वजह से वीडियो सही नहीं बन रही, कलरिंग ख़राब हो रही है, तो कोई बात नहीं जी, हमने व्लॉगिंग ही बनानी है और वो भी ज़रूर बनानी है। या जी वापसी का इरादा, सामने हमारा कैरी डब्बा खड़ा हुआ है, ये देख शकील भाई और सामने पी साहब खड़े हुए हैं। अभी हमारा